बारे में कर लेता हूँ। नमस्कार, सबसे पहले मैं आज आप सबको मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई देना चाहता हूं और साथ ही माफी चाहता हूं कि तकनीकी त्रुटि के कारण हमारी वर्चुअल क्लास समय पर प्रारंभ नहीं हो पाई। इसके लिए मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पर और एनआईसी की तरफ से क्षमा याचना चाहता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो शेयर बाजार नियम एवं केंद्र का रोजगार सिद्धांत है। इस विषय में प्रवेश करते समय आज इन बातों को हम रखेंगे, उसमें शेयर बाजार का नियम है, उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं और उस बाजार नियम की व्याख्या हम चित्र के साथ और तालिका के साथ करेंगे। इस बाजार नियम की क्या आलोचनाएं हैं और उसके बाद केंद्र का जो रोजगार नियम है उस पर अपनी बात रखेंगे। केंद्र के रोजगार नियम में प्रभावपूर्ण मांग की अपनी बड़ी महत्ता है, उस पर बात रखी जाएगी। उसकी अर्थशास्त्र में क्या महत्व है और क्या आलोचनाएं हैं, ये आज का विषय रहेगा। शेयर के बाजार का नियम में ये हमारा एक रोजगार का सिद्धांत है जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्टों के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको परंपरावादी सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत फ्रांस के जो अर्थशास्त्री जेबी से द्वारा प्रतिपादित किया गया और जेबी से की एक खास विशेष जो है अपनी परिभाषा रही है वो है पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, और इसी बात को लेकर उन्होंने रोजगार के सिद्धांत का आधार बताया। इस सिद्धांत की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। यह सिद्धांत जो है बंद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लागू होता है। श्रम और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। श्रम का जो समरूप है, समरूप होता है, इसका तात्पर्य है कि श्रम की सभी इकाइयां एक समान होती हैं। अर्थव्यवस्था का जो कुल उत्पादन होगा वह उपभोग और निवेश में व्यय होता है। मुद्रा की मात्रा दी हुई है, दो प्रकार की मजदूरियां होती है, मुद्रा एवं वास्तविक मजदूरी संबंध है। पूंजी स्टॉक एवं तकनीक दी हुई है, तात्पर्य है कि टेक्नोलॉजी जो है हमारी, तकनीक जो होती है वो उसमें दी हुई, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव अंतर नहीं है। अब शेयर के बाजार की जो नियम की व्याख्या है वो महान अर्थशास्त्री शेयर के अनुसार उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार पैदा करता है। उनका तात्पर्य ये था कि जो ही किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन होता है उसी क्षण वे अपने मूल्य की पूरी मात्रा में अन्य वस्तुओं के लिए बाजार उत्पादन करती है। कहने का तात्पर्य यह है शेका कि किसी भी उद्यमीकर्ता के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन उसी समय किया जाता है जब उसकी आवश्यकता होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग होने पर ही उद्यमीकर्ता उत्पादनकर्ता वस्तु उत्पादन करते हैं। और इस तरह से उनका ये मानना था कि वस्तु की पूर्ति अपनी मांग श्रम उत्पन्न कर लेती है, और उनके अनुसार ये था कि वस्तु की पूर्ति में ही वस्तु की जो मांग होती है वो निहित होती है, शामिल होती है। अतः उनका ये भी मानना था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्य से अधिक अगर उत्पादन हो सकता है तो स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है, ये अस्थायी होती है, और कुछ समय के बाद अगर मांग कम है तो उसका उत्पादन कम होगा और वापस अपनी संतुलित स्थिति में आ जाएगी। शे ने इस बाजार के नियम की व्याख्या निवेश और बचत के माध्यम से भी की है, और इसमें सुधार प्रोफेसर पीगू ने भी किया, क्योंकि ये पहले शे के द्वारा जो बाजार का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया वो वास्तव में वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु का उत्पादन जो किया जाता है उसमें साधनों की आवश्यकता पड़ती है। साधन से तात्पर्य आपका श्रम है, पूंजी है, उद्यमीकर्ता होते हैं, भूमि है, ये सभी आपके उत्पादन के साधनकर्ता होते हैं। इन उत्पादन के साधनों की सहायता से ही किसी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था में एक सामान्य बात है, सामान्य चर्चा है। तथा जो साधनों का प्रयोग किया जाता है वे साधन अपनी सेवाएं देते हैं, इन सेवाओं के बदले में उनको आय प्राप्त होती है
और इस आय को उन साधनों के द्वारा वस्तुओं के क्रय में व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है। और जो भाग आय का जो भाग व्यय नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, उसको बचत कर लिया जाता है और ये बचत जो है अर्थव्यवस्था में सीधे तौर पर निवेश कर दी जाती है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि बचत एवं निवेश हमेशा सदैव बराबर होते हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। और अगर अंतर आता है या अंतराल आता है, असंतुलन आता है, तो स्थिति में ब्याज की दर के माध्यम से इनमें संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इस नियम की व्याख्या हम चित्र के द्वारा भी कर सकते हैं। ये आपके समक्ष चित्र है, शेयर बाजार के नियम से संबंधित। इसमें हमारा जो क्षैतिज अक्ष है, जिस पर हमने बचत एवं निवेश की मात्रा दिखाई गई है, ये हमारा क्षैतिज अक्ष कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कह देते हैं। और जिधर ब्याज को दर्शाया गया है, यह लंब अक्ष है, वर्टिकल एक्सिस कह देते हैं, इस पर ब्याज को दर्शाया गया है। इसमें आप देखेंगे दो रेखाएं हैं, दो जिनको वक्र भी कह सकते हैं आप, जी के और एच डी। ये हमारी निवेश वक्र और नया निवेश वक्र को बतलाती है। ऊपर से नीचे की ओर जी के और ऊपर से नीचे की ओर एच डी जो हमारी निवेश वक्र है, ये दोनों के दोनों निवेश वक्र हैं। एल एफ हमारा बचत वक्र है। अब इसमें जी के निवेश वक्र पर और एल एफ बचत वक्र का जो पहला संतुलन बिंदु है वो ई पर आता है। और यहाँ पर ई पर जब बिंदु आता है तो यहाँ पर बचत और निवेश की मात्रा संतुलन स्थिति में होती है, एक समान होती है और ओ एम ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। ओ एम ब्याज की दर पर बचत और निवेश ई बिंदु पर संतुलित होते हैं। अगर किसी कारण, सरकार की नीतियों के कारण, बाजार की नीतियों के कारण निवेश में वृद्धि हो जाती है, तो हमारा निवेश वक्र जो है जी के वो दाहिनी तरफ बढ़ जाता है, यानी कि उसमें वृद्धि हो जाती है और एक नया निवेश वक्र बनता है, वो एच डी। एच डी नया निवेश वक्र है और वो हमारे पुराने बचत वक्र को एफ बिंदु पर काटता है, यानी कि और एफ बिंदु पर काटने पर फिर से पुनः अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश हमारे संतुलन की स्थिति में होते हैं और ब्याज दर जो पहले ओ एम थी वो ओ आर हो गई है, क्योंकि नई ब्याज दर पर ये नई संतुलन की स्थिति बनती है, क्योंकि ब्याज दर को बढ़ाकर बचत को भी बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से अर्थव्यवस्था में ये रोजगार की स्थिति को पैदा किया जाता है और संतुलन को बनाया जाता है। अब इसको हमने यहाँ चित्र भी दिखाया, उस चित्र में किस तरह से व्याख्या की गई, छोटी छोटी बातें इसमें लिखी गई है। क्षैतिज रेखा पर बचत एवं निवेश लिया गया है, उन्हें आपको रख रहा हूँ। लंब रेखा पर ब्याज की दर ली गई है। एल एफ हमारा बचत वक्र है, जी के एस डी हमारे निवेश वक्र है। निवेश एवं बचत वक्र हमारे ई बिंदु पर संतुलन स्थिति में है। यदि निवेश में वृद्धि होती तो निवेश वक्र दाई ओर सरक जाता है। नया निवेश वक्र एक एफ बिंदु पर बचत वक्र के साथ संतुलन की स्थिति में आता है। प्रोफेसर पिगू ने इसे मुद्रा के माध्यम से भी विचारों के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या की है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं। अब इस सिद्धांत की केंद्र के द्वारा कड़ी आलोचना की गई, उस आलोचना के जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक अल्प रोजगार संतुलन, इसका तात्पर्य ये था कि से का जो बाजार का नियम व्याख्या करता है वो कहता पूर्ण रोजगार को प्राप्त किया जा सकता है, पूर्ण पर अगर उसकी मान्यताएं खरी उतरती है तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को अपनाया जा माना जा सकता है। लेकिन केंज का ये कहना था कि पूर्ण रोजगार से पहले भी अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है और यह अल्प काल में भी पाया जा सकता है। सामान्य से अधिक उत्पादन संभव, परंपरावादी अर्थशास्त्री जेबी से और उसके अनुयायियों का ये मत था, ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में कभी भी अत्यधिक उत्पादन नहीं होगा, सामान्य से अधिक उत्पादन नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो अर्थव्यवस्था में बाजार की जो शक्तियां हैं, जो क्रियाएं हैं, वो अपने आप पुनः बाजार में संतुलित स्थिति उत्पन्न कर देती है। लेकिन केंज का ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में सामान्य से अधिक संभव हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, वस्तु की मांग अधिक होने के कारण,
उत्पादन किया जा सकता है या उत्पादनकर्ता इस आशय में, इस उम्मीद में, इस आशा में अधिक उत्पादन कर सकते हैं कि भविष्य में इसकी मांग बढ़ सकती है और यही कारण जो है अधिक उत्पादन का कारण बन सकता है। दूसरा, अर्थव्यवस्था में सर्वथा समायोजन असंभव है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था में जो समायोजन होगा, अगर समायोजन से तात्पर्य यह है कि अगर उत्पादन में और उसके ये बचत या निवेश में किसी प्रकार का असंतुलन होता है या मांग और पूर्ति में किसी प्रकार का असंतुलन होता है तो वह अपने आप संतुलन स्थिति में आ जाएगा। लेकिन केन्ज का मानना था कि बाजार की शक्तियां अपने आप इस प्रकार के असंतुलन को संतुलित नहीं कर सकती हैं, इसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है और वह राज्य के द्वारा आवश्यक है, तो ये जो समायोजन है अपने आप नहीं हो सकता है। आय परिवर्तनों द्वारा भी बचत एवं निवेश में समानता। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मत था कि बचत एवं निवेश में जो समानता आती है, जो संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, उसका एक मूल कारक ब्याज की दर है। लेकिन केन्ज का ये मत था कि ब्याज के अतिरिक्त आय कारक के द्वारा भी अर्थव्यवस्था में ब्याज और निवेश में संतुलन की स्थिति लाई जा सकती है। मजदूरी कटौती की आलोचना। परंपरावादी अर्थशास्त्री जिसमें मुख्यतः से जेबी से का नियम में, उनका ये मानना था कि अगर अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न होता, मांग और पूर्ति में असंतुलन स्थिति निर्मित होती है, तो उस स्थिति में मजदूरी में कटौती करके, पूर्ति में कटौती करके संतुलन स्थापित किया जा सकता है। लेकिन केन्ज का ये मानना था कि अगर मजदूरी में कटौती किया जाता है और पूर्ति में कोई कटौती नहीं की जाती है तो स्थिति में भी अत्यधिक उत्पादन की संभावना हो जाती है। केन्ज का ये मानना था कि मजदूरी में कटौती होने से बाजार में, अर्थव्यवस्था में मांग की कमी उत्पन्न हो जाती है और मांग की कमी होने के कारण जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उनका विक्रय नहीं हो पाता, उनको उनकी बिक्री नहीं होने से बाजार में अति उत्पादन की स्थिति निर्मित हो सकती है। राज्य हस्तक्षेप का समर्थन। केन्ज का ये मानना था कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन के लिए राज्य के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पूरी तरह से न्यायोचित नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति में संतुलन उत्पन्न होता है, निवेश या बचत के दर में संतुलन उत्पन्न होता है या अत्यधिक उत्पादन की स्थिति निर्मित होती है तो राज्य को, शासन को इसमें आगे आना चाहिए और राज्य का हस्तक्षेप से ही इस असंतुलन को समाप्त किया जा सकता है। बाजार की शक्तियां इसमें अधिक भूमिका निभा नहीं सकती है। अल्पकालीन विश्लेषण। ये अल्पकालीन समय में भी पाया जा सकता है, अकेले दीर्घकाल में नहीं हो सकता। सट्टा मांग का महत्व। सट्टा से तात्पर्य आप लोगों ने आगे अपने पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे कि तरलता अधिमान जो सिद्धांत केन्ज के द्वारा दिया गया है उसमें लेन देन उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य और सट्टा उद्देश्यों की बात की गई है। केन्ज का ये मानना था कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने पूंजी का उपयोग सिर्फ उत्पादन के कारकों में बताया गया है, लेकिन पूंजी का उपयोग जो है मौद्रिक पूंजी का उपयोग सट्टा जैसी चीजों में भी हो सकता है, और शेयर मार्केट है, बाजार के अंदर उनमें निवेश किया जा सकता है, लॉटरी में किया जा सकता है, जिनके जिन कारकों पर परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का ध्यान नहीं गया, ये भी उनकी आलोचना का मुख्य बिंदु है। और केन्ज का ये मानना था कि इन्हीं सभी चीजों के कारण ही ये जो इतने सरकार का हस्तक्षेप न होना, बाजार में आयकर की अपेक्षा करना, अल्पकालीन विश्लेषण के कारण ही महामंदी का दौर आया था। और इस महामंदी के दौर पर केन्ज के द्वारा एक कथन था कि अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार दिया ना चाहिए, सरकार सुबह गड्ढे खुदवाए, शाम को उनको मिट्टी से भरवा दे और उनको मजदूरी दे तो अर्थव्यवस्था में एक कृत्रिम मांग उत्पन्न की जा सकती है जो कि प्रेरित करेगी लोगों को व्यय करने के लिए, खर्च करने के लिए। और जब लोगों व्यय करेंगे, खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न होगी और मांग उत्पन्न होगी तो उस कारण जो है ना उत्पादन पूर्ति, वस्तुओं की पूर्ति, उत्पादन आदि प्रारंभ होगा और अर्थव्यवस्था फिर से अपने पथ पर आ सकती, मंदी से दूर जा सकती है। उनकी आलोचना मुख्य कारण ये था। इसके साथ ही हम दूसरा टॉपिक हमारा जो है केन्ज का रोजगार सिद्धांत भी हम इसमें रख रहे हैं। केन्ज का जो रोजगार सिद्धांत है वो मुख्यतः प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित है। यहाँ पर प्रभावपूर्ण मांग
मैं मोटी दो बातें बताऊंगा। एक, प्रभावपूर्ण मांग जो है हमारी समस्त मांग कीमत और समस्त कीमत पर आधारित होती है। मांग, प्रभावपूर्ण मांग को निर्धारित करने वाले दो कारक होते हैं, एक समस्त मांग कीमत और दूसरी समस्त पूर्ति कीमत। अब समस्त मांग, प्रभावपूर्ण मांग कीमत को निर्धारित कर का जो सबसे पहला कारक है वह है समस्त मांग कीमत। आपके जहन में आएगा कि समस्त मांग कीमत क्या है, तो समस्त मांग कीमत जो होती है, समस्त का मतलब जो पूरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत का तात्पर्य यह है कि किसी भी एक रोजगार का जो स्तर है, कोई भी रोजगार का स्तर हो सकता है, उस पर जो श्रमिक लगाए जाते हैं उन श्रमिकों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और उस उत्पादन की बिक्री से जो आय प्राप्त करने की आशा होती है, उम्मीद होती है, वह समस्त मांग कीमत होती है। यानी कि प्रत्याशित आय को हम समस्त मांग कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में हम इस रोजगार स्तर पर इतनी पूंजी का निवेश करते हैं तो हमें या उत्पादनकर्ता को भविष्य में इतनी आय प्राप्त हो सकती है। इसी आशा के साथ ही कोई भी निवेशकर्ता, कोई भी उद्यमीकर्ता, कोई उद्योगपति पूंजी का विनियोग करते हैं, निवेश करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त मांग कीमत जो है हमारी प्रत्याशित आय को प्रकट करती है, प्रत्याशित आय को प्रदर्शित करती है। दूसरे शब्दों में भी हमने लिखा, इसमें स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि समस्त मांग कीमत कुल प्रत्याशित आय की प्राप्ति को, यानी कि प्रत्याशित माने कि भविष्य में जिसकी उम्मीद करते हैं प्राप्त होने की, हमारे पास वास्तव में वो आय है नहीं। दूसरा जो है, जो कारक है प्रभावपूर्ण मांग का, वो है समस्त पूर्ति कीमत। ये भी मुद्रा की वह न्यूनतम आवश्यक राशि है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी रोजगार के स्तर को पाने के लिए श्रमिकों के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसकी बिक्री से अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक आवश्यक लागत है जो कि किसी भी उद्यमीकर्ता को, किसी भी निवेशकर्ता को, किसी भी उद्योगपति को, किसी भी पूंजीपति को अपनी पूंजी को लगाने के उपरांत अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। इसके ऊपर ही वह आगे निवेश करेगा। अगर ये पूंजी आवश्यक लागत जो है, जो आवश्यक पूंजी जो उसको आवश्यकता है उसकी, ये प्राप्त होती है और इसके ऊपर भी उसको उम्मीद दिखती है तो और अधिक पूंजी का निवेश करेगा, तभी अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय, उपभोग आदि का सृजन होगा। तो प्रभावपूर्ण मांग दो बातों पर निर्भर करती है, एक समस्त मांग कीमत जो कि अर्थव्यवस्था में आय कहलाती है, और दूसरा जो है प्रभावपूर्ण मांग हमारी है वो है समस्त मुद्रा की कीमत जो कि उसकी आवश्यक लागत कह सकते हो, आवश्यक पूर्ति कीमत कह सकते हो, या न्यूनतम आवश्यक राशि कह सकते हो जो कि किसी भी उद्यमीकर्ता को प्राप्त होनी चाहिए। इसको हम एक तालिका से आपको व्याख्या करके बता रहे हैं कि तालिका में देखिए चार कालम दिए हुए हैं। पहले कालम में रोजगार का स्तर है जो लाख संख्या में नंबर में दिखलाया गया है, लाखों में बतलाया गया है। दूसरी तालिका हमारी समस्त पूर्ति कीमत से संबंधित है जो कि रुपए में दिखाई गई, करोड़ रुपए में दिखाई गई है। फिर समस्त मांग कीमत एक पुरानी लिखी है और एक नई लिखी है या और रुपए करोड़ में है। अब देखिए कि अर्थव्यवस्था में कैसे रोजगार किस स्तर पर हो सकता है और कैसे कैसे उद्यमी करता या विनियोग करता अपनी पूंजी को निवेश करते हैं। आप देखिए जब रोजगार स्तर 20 लाख है, आप पहली लाइन देखेंगे तो दूसरा 215 है और 230 है। 235 को थोड़ा अभी ध्यान मत रखिए, उस पर फोकस मत कीजिए। अब समस्त पूर्ति कीमत कितनी है, 215, और समस्त मांग कितनी कीमत है, 230 करोड़ रुपए कह सकते हो आप। यानी कि उद्यमीकर्ता को अपनी न्यूनतम लागत प्राप्त हो रही है, आवश्यक जो समस्त पूर्ति कीमत जो उसकी हम न्यूनतम राशि, न्यूनतम आवश्यक राशि वो 215 है, और अर्थव्यवस्था में जो समस्त मांग कीमत है, जो मांग बनी हुई उस वस्तु की, उसके द्वारा उत्पादित मांग की या पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर, तो वो 230 है। ये शो करता है, ये इंगित करता है, ये दिखाता है कि भी अर्थव्यवस्था में और पूंजी लगाई जा सकती है ताकि उद्यमीकर्ता और लाभ की प्रत्याशा करते हैं, आय की प्रत्याशा करते हैं, तो और पूंजी का निवेश करते हैं, विनियोग करते हैं, और विनियोग जब होगा तो और अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। 20 से बढ़कर ये संख्या 25 हो जाती है, फिर उनकी 230 जो है न्यूनतम लागत प्राप्त हो रही है और फिर भी अर्थव्यवस्था में प्रत्याशित आय बनी हुई है, भविष्य में उनको आय की आशा दिखाई दे रही है, वो 240 है। फिर इसी आशा के साथ ही जो है ना वो और निवेश करते हैं
और विनियोग करते हैं तो ये रोजगार का स्तर 30 चला जाता है, 30 लाख, 245 और 250 है। फिर भी प्रत्याशित आय की उम्मीद प्रत्याशित आय दिखाई ज्यादा दिखाई दे रही है तो निवेशकर्ता उत्साहित रहते हैं और अधिक निवेश करते हैं और 35 पर आकर जो है हमारी समस्त पूर्ति कीमत और समस्त मांग कीमत संतुलन की स्थिति में आ जाती है। और जहाँ ये संतुलन की स्थिति कीमत आती है यही प्रभावपूर्ण मांग कहलाती है, यही प्रभावपूर्ण का बिंदु कहलाता है कि यहाँ पर जो है ना हमारी समस्त मांग और समस्त पूर्ति कीमत बराबर की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है। और यहाँ पर जब ये बिंदु प्राप्त होता है यह पूर्ण रोजगार का स्तर होता है, ये अल्पकालीन व्यवस्था में भी अल्पकालीन अर्थव्यवस्था में आ सकता है। अब यहाँ जब अल्पकालीन अर्थव्यवस्था इस प्रकार के पूर्ण रोजगार स्थिति निर्मित हो सकती है ये स्थायी नहीं होती है। केंद्र का ये मानना था कि सरकार जो है ना जब पूर्ण रोजगार स्थिति उत्पन्न होती है या हर समय में हर काल में ऐसा होता रहता है, एक समय ऐसा आता है जब हम अपने संसाधनों का पूर्ण दोहन कर लेते हैं तो और कोई नई नीति लाकर नया खोज हो जाती, नई इनोवेशन आ जाती है, नए आविष्कार हो जाते हैं और फिर से जो है ना अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति या और आगे निवेश करने के लिए सरकार जो है ना निवेश करती है, सरकार की नीति में जब परिवर्तन आता है। तो 40 लाख पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जब और रोजगार बढ़ाया जाता है, अगर लगा लिया जाता है, कटौती नहीं की जाती मजदूरों की, तो 40 हो जाता है। यह समस्त पूर्ति कीमत 275 है और हमारी जो समस्त पुरानी मांग है वो 270 दिखाई दे रही है। इसका तात्पर्य यह है कि उद्यमीकर्ताओं को या पूंजीपतियों को या उत्पादनकर्ताओं को अपनी न्यूनतम लागत भी प्राप्त नहीं हो रही है, वो 275 है और 275 है और समस्त मांग कीमत अब गिर गई है, यानी कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं में अब लाभप्रद अर्थव्यवस्था नहीं रही है। ऐसी समय में सरकार को राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए और सरकार राज्य जब हस्तक्षेप करती है नीतियों के माध्यम, आर्थिक नीतियों के माध्यम से, मौद्रिक नीति के माध्यम से, राजकोषीय नीति के माध्यम से, तो अर्थव्यवस्था में पुनः गति प्राप्त होती है और यह संतुलन जो है ना 275 पर जब आता है तब ये जाकर जो है ये स्थिति नई हमारी जो मांग समस्त मांग कीमत है ये 275 पर दिखाई देता है और आगे 40-40 संख्याएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आकर अपने को एक पूर्ण रोजगार की स्थिति बिंदु प्राप्त हो जाता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि समस्त मांग को देखकर ही निवेशकर्ता निवेश करते हैं। तालिका से भी व्याख्या कर सकते हैं, जब तक समस्त ये जो तालिका की मैंने व्याख्या की वो यहीं पर लिखी गई है, इसको मैं दोबारा से व्याख्या नहीं करूंगा समय अभाव के कारण। ये चित्र की सहायता से मैं आपको प्रभावी मांग की व्याख्या कर सकता है। ये 36 अक्ष है वो रोजगार का स्तर दिखला रहा है और जो लंब अक्ष है हमारा वो प्रत्याशित आय एवं आवश्यक लागत को दिखला रहा है। जो हमें प्रभाव उनके दो मुख्य कारक बताए थे वो एक था समस्त मांग कीमत और दूसरा समस्त पूर्ति कीमत। इसके तात्पर्य पे दो आपको वक्र दिखाई दे रहे हैं, एक हमारा AS, एक हमारा AD, एक हमारा AS, एक हमारा AD। AD जो है वक्र जो है, AD वक्र किसको बतलाता है, समस्त मांग कीमत को प्रदर्शित करता है और AS जो है हमारा समस्त पूर्ति कीमत को दर्शाता है। ये दोनों वक्र समस्त मांग और समस्त पूर्ति कीमत को दर्शाते हैं और दोनों वक्र जहां आपस में एक दूसरे को काटते हैं वह बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होता है, संतुलन का बिंदु होता है, पूर्ण रोजगार का बिंदु होता है। और चित्र में आप देखेंगे डायग्राम के अंदर ई बिंदु जो है वहां पर हमारी संतुलन की स्थिति है और ई बिंदु पर हमारा AS समस्त पूर्ति कीमत और AD समस्त मांग कीमत दोनों संतुलन की स्थिति में है और अर्थव्यवस्था में ON संख्या में रोजगार की स्थिति है या रोजगार का उत्पादन किया जा रहा है। अब इसके अलावा दो तीन स्थितियां और हमने दिखलाई हैं। जब बिंदु आप R को देखते हैं डायग्राम के अंदर और दूसरा बिंदु आप C देखते हैं, R बिंदु आपको किस पे दिखाई दे रहा, किस वक्र पर दिखाई दे रहा है, हमारा AD वक्र पर। AD किसका वक्र है, समस्त मांग कीमत का वक्र है, यानी कि प्रत्याशित आय का वक्र है, आय की
प्रत्याशा की जा रही है, आय की आशा की जा रही है, आय की उम्मीद की जा रही है। और दूसरा बिंदु हमारा जो है वो किस पर दिखाई दे रहा है, समस्त पूर्ति कीमत पर दिखाई दे रहा है। समस्त पूर्ति कीमत और समस्त मांग कीमत दोनों में अंतराल है, वो अंतराल कितना है, आरसी। आरसी इसमें समस्त मांग कीमत ऊपर है और समस्त पूर्ति कीमत नीचे है, जो ये करती है कि आरसी के अनुपात में समस्त मांग कीमत समस्त पूर्ति कीमत से अधिक है, यानी कि प्रत्याशित आय अधिक होने की संभावना है समस्त पूर्ति कीमत से, तो इस आशा में और अधिक निवेश किया जाता है। और जब निवेश किया जाएगा तो साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जब आरसी में जो अंतराल है और वहां पर रोजगार जो निर्धारित हो रहा है वो ओए हो रहा है, यानी कि कम रोजगार पैदा किया जा रहा है, कम रोजगार का सृजन किया जा रहा है। आरसी प्रत्याशित आय की उम्मीद है, आय की आशा है, तो ऐसी स्थिति में उद्यमीकर्ता पूंजीपति और उद्योगपति और अधिक निवेश करते हैं। और ये जब तक चलता रहता है जब तक कि समस्त मांग कीमत और समस्त पूर्ति कीमत संतुलन में नहीं आ जाते हैं, और इस कहाँ पर आता है, ई बिंदु पर आता है। ई बिंदु पर संतुलन स्थिति बनते ही जो है ना हमारा स्थिति आ जाती है। अगर इसके बाद अगर हम देखते हैं एच बिंदु को और एफ बिंदु को, एच समस्त पूर्ति कीमत को समस्त पूर्ति वक्र पर बिंदु दिखलाई दे रहा है, और एफ जो है आपका समस्त मांग कीमत पर बिंदु दिखलाई दे रहा है। इसमें समस्त पूर्ति कीमत की रेखा जो है, जो हमारा वक्र है, वो समस्त मांग वक्र से ऊपर है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एचपी हमारा है, वो एचएफ जो हमारा है, वो समस्त पूर्ति कीमत का हिस्सा है, अंग है। इसका तात्पर्य कि लागत अधिक आ रही है और मांग कम है, और यहाँ पर पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति कह सकते हो, या आप जो है ना, या असंतुलित स्थिति, तो स्थिति में जो है ना हम आय के द्वारा या ब्याज के द्वारा वापस चीजों करते हैं या नई बिंदु को सृजन करते हैं जिसमें निवेश किया जा सकता है, राज्य का स्थिर की आवश्यकता पड़ती है, और कहीं ना कहीं पुनः वही बिंदु प्राप्त होगा अल्पकाल में जब जो है अर्थव्यवस्था एडी और हमारा एएस जो है संतुलन की स्थिति में होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभावपूर्ण मांग वह बिंदु है जहां पर समस्त मांग कीमत और समस्त पूर्ति कीमत एक दूसरे को काटते हैं, और यह रोजगार का निर्धारण कारक बिंदु कहलाता है। ये केन्स का सिद्धांत था। अब इसको हमने चित्र की सहायता से प्रभावी मांग की जो व्याख्या की है वो हमने यहाँ करी बताई स्लाइड में। क्षैतिज अक्ष पर रोजगार का स्तर एवं लंबाक्ष पर जो है ना प्रत्याशित आय तथा आवश्यक लागत ली गई है। एडी समस्त मांग कीमत को तथा एएस समस्त मांग पूर्ति को दर्शाते हैं। एडी तथा एएस बिंदु ई पर एक दूसरे को काटते हैं, यही बिंदु प्रभावी मांग है, तथा ओएन श्रमिक रोजगार पर लगे हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य बिंदुओं पर उद्यमियों को या तो हानि उठानी पड़ेगी या असामान्य लाभ प्राप्त होने पड़ेंगे, यानी कि आरसी वाली स्थिति में असामान्य लाभ और एचएफ वाली स्थिति में हानि की स्थिति आती है। चित्र में रोजगार के ओए स्तर पर प्रत्याशित आय आवश्यक लागतों से अधिक है, उद्यमी श्रमिक को तब तक रोजगार देते रहेंगे जब तक कि संतुलन बिंदु ई ना आ जाए। ई बिंदु के करता तो उसकी लागत बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि एडी और एएस बराबर होने चाहिए। अब ये प्रभावी पूर्ण मांग का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, वो है रोजगार निर्धारक। प्रभावी पूर्ण हमारे रोजगार को निर्धारण में एक घटक है। मजदूरी कटौती का खंडन, केंज ने कहा कि जो जेबीसी के जो मजदूरी में कटौती है वो नहीं होनी चाहिए, मजदूरी कटौती को कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी समस्त मांग कम हो सकती है, इसलिए मजदूरी कटौती के में विरोध में रहती है, इसलिए इसका महत्व है। से के नियम का खंडन, से जो कहता है कि पूर्ति अपनी मांग से उत्पन्न कर लेती है, ये भी इसकी भी खंडन किया गया और कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को बनाए रखने के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। निवेश का कार्यभार, निवेश को भी बनाए रखना चाहिए, उसके लिए ब्याज की दर को कम करना चाहिए ताकि ब्याज की दर कम रहेगी तो अधिक उद्यमीकर्ता निवेश के लिए प्रेरित होंगे, ऋण लेने के लिए प्रेरित होंगे, निवेश अधिक होगा। तो ये जो है ना अर्थव्यवस्था में प्रभावी पूर्ण मांग का महत्व है। अब इस सिद्धांत की आलोचना में है, ये सामान्य सिद्धांत नहीं है। ये केन्ज के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया रोजगार का, ये सामान्यतः विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर लागू हो सकता है या उनकी कंडीशन पर ये बनाया गया है। अलग विकसित देशों में, विकासशील देशों में यह
सही रूप से कार्य नहीं कर पाता है या अन्य परिस्थितियों में लागू नहीं हो पाता, इसलिए कहा जाए कि ये सामान्य सिद्धांत तो अपने आप में अतिशक्ति होगी, सामान्य सिद्धांत नहीं है। लेकिन इससे भी इस सिद्धांत की महत्ता कम नहीं होती, सिद्धांत महत्वपूर्ण है लेकिन सामान्य सिद्धांत नहीं है, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। ये भी सिद्धांत कई प्रकार के अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, इसमें मांग पक्ष पर अधिक जोर दिया गया है, अन्य कारकों पर अधिक जोर दिया गया है जो कि मतलब वास्तविकता से दूर है, अल्पकाल पर जोर देता है, दीर्घकाल में भी संतुलित स्थिति को पाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य इसके सिद्धांत के लिए जो मान्यताएं ली गई हैं, समस्त मांग की मत जो भी मान्यताएं ली गई हैं वो हमारी अधूरी है। प्रभावपूर्ण मांग रोजगार में सीधा संबंध नहीं, कहने का तात्पर्य है कि प्रभावपूर्ण मांग अगर होगी तो रोजगार बढ़ सकता है, ये अपने आप में एक सीधा संबंध बतलाया गया केंज के द्वारा। लेकिन केंज के उपरांत के जो शास्त्री हैं उनका कहना है कि प्रभावपूर्ण एक कारक हो सकता है लेकिन इसके अलावा दूसरे कारक भी हैं जो कि रोजगार को प्रभावित करते हैं, दूसरी सरकार की नीतियां हैं जो रोजगार को प्रभावित कर सकती हैं, दूसरे कारक हैं जो रोजगार को प्रभावित कर सकते हैं, अकेला प्रभावपूर्ण मांग नहीं है। तवरक की अपेक्षा प्रभावपूर्ण मांग पूर्ण त्रिगुणक पर आधारित है, तवरक की अपेक्षा की गई है। बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण हल नहीं है, ये तकनीकी कारणों से जो बेरोजगारी या बाजार की शक्तियों कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसका हल बताती है, मौसमी बेरोजगारी या कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी है उसकी व्याख्या प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत के अंतर्गत नहीं होती है। एक पक्षीय सिद्धांत, यह सिद्धांत एक पक्ष का है, इसमें मांग पक्ष को अधिक महत्ता दी गई है, पूर्ति पक्ष को अधिकांश स्थिर मान लिया गया है या उसका ज्यादा महत्ता नहीं दी गई है, तो ये एक पक्षीय सिद्धांत है। अल्पकालीन सिद्धांत, ये अल्पकाल में ज्यादा सार्थकता से ज्यादा प्रभावशील से कार्य करता है, दीर्घ काल में ये सिद्धांत कार्य नहीं कर पाता है। उपभोग प्रवृत्ति की जो धारणा दी गई है कि केवल उपभोग बनाए रखें, निवेश किया और अन्य कारकों की अपेक्षा की गई है, तो वो भी उपभोग प्रवृत्ति की जो धारणा है वो अपने आप में गलत है। धन्यवाद। अब आप कोई क्वेरी कर सकते हैं या मैं आपसे कोई जवाब पूछ सकता हूं। पहले आपको मौका दिया जाता, कोई भी क्वेरीज हो, कोई मन में या आपके दिमाग में जहन में सवाल हो दोनों सिद्धांत से, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। इंदौर के छात्रों से छात्र छात्रा पूछना चाहेंगे कि शेयर बाजार का नियम किस किस अर्थशास्त्री के द्वारा प्रतिपादित किया गया। खरगोन बढ़वा खरगोन के छात्र अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो उनसे मेरा सवाल है। प्रभावपूर्ण मांग किन दो कारकों पर आधारित है? बढ़वा कॉलेज मेरी आवाज सुन पा रहा है? आपके प्रभारी हैं कोई? हाँ बताइए आवाज। हाँ सर, हेलो। हाँ हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। प्रभावपूर्ण मांग इन दो कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। प्रभावपूर्ण मांग को बतलाया था ना, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रभावपूर्ण मांग इन दो कारकों पर आधारित है। बढ़वा महाविद्यालय, हेलो। हाँ बताइए बेटा। सर आपका क्वेश्चन समझ में आया, एक बार वापस बोल दो। प्रभावपूर्ण मांग किन दो कारकों पर आधारित है? हमने दो कारक बताए थे ना उसके निर्धारण के, कौन कौन से हैं? हमने बताया था समस्त मांग कीमत,
और समस्त पूर्ति कीमत आपको बतलाया था ना, तो प्रभाव पूर्ण मांग जो है दो है, समस्त मांग कीमत और समस्त पूर्ति कीमत पर। ये पन्ना मांग डाल ले, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। सॉरी सर, पता नहीं है। हेलो, पन्ना महाविद्यालय मेरी आवाज सुन पा रहा है? आवाज ही दे रहा है। आप लोगों की क्वेरी हो तो कर लीजिए। कोई नहीं रख रहा, अभी क्लास समाप्त की जाती है। धन्यवाद।